हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका कंप्यूटर टीचर कुलवंत सिंह। आज हम पढ़ेंगे सेवन्थ क्लास के चैप्टर नंबर 6 के बारे में, जो कि हमारे पास फ्लैश CS6 एडोब फ्लैश कहते हैं इसको हम, लेकिन इसमें एडोब नहीं लिखा उन्होंने, तो एडोब फ्लैश होता है हमारे पास ये। तो इसके अंदर जो हमारा एक ये सॉफ्टवेयर है, एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर भी है ये, मतलब कि हम इसको ऐसे डाउनलोड नहीं कर सकते, इसको हम ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, मतलब हर एक टाइम में इसको हम यूज़ कर सकते हैं। ये एक एनिमेशन, मतलब हमारे पास एक प्रेजेंटेशन बनाने के लिए या एनिमेशन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, जिसके अंदर आज मैं आपको इसके बारे में कुछ व्यू बताऊँगा। हम इसको ख़रीद नहीं पा रहे हैं, मतलब हम इसको परचेज नहीं कर पाएंगे और हमें इसकी ज़रूरत भी नहीं है। अगर परचेज करना है तो 1400 के आसपास ये सॉफ्टवेयर हमें अवेलेबल होगा, लेकिन हम इसको हम परचेज नहीं करेंगे। जस्ट आपको मैं अभी समझा देता हूँ इसके बारे में। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। अब आपको दिख रहा है इस तरह की पिक्चर्स दिख रही हैं, ये इसके हमारे पास करेक्टर दे रखे हैं 1x1, ये सभी करेक्टर हैं हमारे पास, ठीक है जी। तो पहला टॉपिक है हमारा इसका टाइमलाइन, फ्रेम के बारे में, की फ्रेम के बारे में एंड लेयर के बारे में। तो ये टॉपिक आज हम इसके अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहले आप लोग देखते हैं कि ये की फ्रेम, की फ्रेम कुछ इस तरह से होगा, स्केल टाइप में बना रखा है ये, एक स्केल टाइप में है। मान लीजिए कि हमारा जो आप घर पे टीवी देखते हैं या हम कोई मूवी वगैरह देख रहे हैं, तो उसके अंदर जो ऐड वगैरह ऐड करनी होती है, ऐड का मीनिंग पता है ना सभी को, जो ऐड आती है टीवी के अंदर, या फिर हमने उस पिक्चर्स को सॉन्ग कन्वर्ट करना है, या हमने अपनी खुद की ऐड देनी है, मतलब कुछ भी उसके ऊपर नेम वगैरह मेंशन करना है, वो एनिमेशन हम इसके ऊपर बना सकते हैं, ठीक है जी। टाइमलाइन में जिस ये आपको दे रखा है, ये टाइमलाइन है हमारा इस तरह से, ठीक है जी। तो इस तरफ इसी टाइमलाइन के अंदर हमें एक छोटा सा एरिया दे रखा है, ये एरिया है हमारा लेयर का, ये एरिया हमारा जो है लेयर का है, ये जो एरिया हमें यहाँ पे शो हो रहा है, ये एरिया जो हमारा है वो लेयर का है। क्लियर है सभी को? जस्ट इसके बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन ही देंगे आपको, क्योंकि आपके पास इसका यूज़ भी नहीं है और आपको इसका यूज़ करना भी नहीं होगा। तो आगे चलते हैं, लेयर के बारे में बात कर रहे थे हम। यहाँ इस तरह से आपको इंसर्ट, ऊपर जो मेन्यू दिख रहे हैं आपको, मैं आपको मेन्यू दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, विंडो हेल्प, ये सारे हमारे मेन्यू हैं। तो हमने इस तरह से मेन्यू इंसर्ट में जाके टाइमलाइन को और इस तरह से फ्रेम F5 से हम इसको ओपन कर सकते हैं। F5 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो ये हट भी जाएगा और दोबारा से आ भी जाएगा, ठीक है जी। F5 करने से शॉर्टकट की है इसकी, तो हम इसको वापस ला सकते हैं और ड्रॉ कर सकते हैं। सेम जैसे हमने पावर पॉइंट किया है, एडोब फोटोशॉप किया है, उसके अंदर भी मैंने आपको ये चीज़ बताई हुई। तो ये देखिए, इस तरह से हम इसके ट्रायंगुलर एंगल, रेक्टेंगुलर, हर एक शेप को यहाँ पे हम ड्रॉ कर सकते हैं, और ड्रॉ करने के बाद आप देख रहे हैं उसको हम कलर वगैरह भी फिलअप यहाँ से हम कर सकते हैं, जो भी ऑप्शन रहेगा हमारा कलर वगैरह फिलअप करने का, वो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। इस तरह से हम इसके अंदर कलर वगैरह भी फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर मोशन ट्विंस दे रखे हैं, मतलब देखिए आप मोशन ट्विन, मतलब कि जो हम पेज ले रहे हैं पेज की प्रॉपर्टी दे रखी है कि आपको किस तरह से इसको यूज करना है, किस तरह से लेना है, और इसी के अंदर आपको सिंबल भी कन्वर्ट करने के लिए दे रखे हैं। ये ओनली हम की फ्रेम का यूज करके आपको बता रहे हैं कि की फ्रेम जो है इस तरह से हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं की फ्रेम। आप इसके अंदर डिजाइन बना सकते हो, डिजाइन कुछ इस तरह से
मतलब एक एनिमेशन आप तैयार कर रहे हैं पावर पॉइंट की तरह, एक प्रेजेंटेशन जो एनिमेशन होती है हमारी, हम वो तैयार कर रहे हैं इसके अंदर, और वो इस तरह से आपको शो हो रही है। इसी तरह से हमारे पास आप इसके अंदर सेव का भी तरीका देख लीजिए, जो सेव करने के लिए है हमारे पास एनिमेशन, वो कुछ इस तरह से सेव के ऑप्शन में आती है। सेव के ऑप्शन आपको देख रहे हैं यहाँ पे, सेव के ऑप्शन जैसे फ्लैश में सेव करना है आपको उसको, FWC में सेव करना है, HTML में सेव करना है, GIF में सेव करना है, JPG में सेव करना है, PNG में करना है, तो ये सारे ऑप्शन हमें यहाँ पे दे रखे हैं। पब्लिश सेटिंग जो होती है हमारी, उसके लिए हम शॉर्टकट यूज करते हैं Ctrl+Shift+F12, तो ये इस तरह से पब्लिक सेटिंग जो हमारी ओपन हो जाती है, और ये फाइल के अंदर होती है। आप यहाँ पे भी ये वेन्यू देख पा रहे हैं, ये फाइल के अंदर है हमारे पास, फाइल के अंदर हमारे पास इस तरह से आप देख पा रहे हैं, ये देखिए फाइल के अंदर गए, वहाँ से आपको पब्लिश सेटिंग एक्सपोर्ट के नीचे दे रखा है, Ctrl+Shift+F12 करेंगे तो हमारे पास इस तरह की कुछ सेटिंग जो है ओपन हो जाएंगी। क्लियर है सभी को? तो ये हमारा है 6th चैप्टर, जिसके अंदर हमने पढ़ा है आज एडोब फ्लैश के बारे में, लेकिन इसका यूज हम तब करते हैं जब हमने कोई अच्छे से डिजाइनिंग सीख रखी हो, या आप डिजाइनिंग करते हो तब आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका यूज हम ओनली फॉर प्रेजेंटेशन में भी कर सकते हैं, या फिर हम इसका यूज फोटोशॉप में भी कर सकते हैं, पेज मेकर, कोल्ड्रा वगैरह में भी इसका यूज